लड़की अच्छे लड़के को छोड़कर बैड बॉयज को क्यों पसंद करती है? जो लड़का लड़की को सिर्फ यूज करता है, जस्ट टाइम पास करता है, लड़कियां ऐसे लड़कियों को क्यों पसंद करती है? जो लड़का अच्छा है, दिल से लड़की को सच्चा प्यार करता है, उस लड़के को लड़कियां पसंद क्यों नहीं करती? लड़कियां अच्छे लड़के को छोड़कर बैड बॉयज से इंप्रेस होती है क्योंकि बैड बॉयज लड़की को पूरा फ्रीडम देते हैं। वो लड़की को किसी बात के लिए मना नहीं करते, लड़की अच्छा करे या बुरा टोका टाकी नहीं करते। इसके अलावा लड़की जो भी करे बैड बॉयज लड़की का साथ देते हैं। वो अच्छे लड़की की तरह लड़की को एडवाइस नहीं देते, ये मत करो वो मत करो। बैड बॉयज बोलते हैं करके देख, मैं हूं ना तेरे साथ, जो होगा देखा जाएगा। जबकि अच्छा लड़का हर नई चीज के लिए पहले मना करता है। लड़की गलत भी करे तो भी बैड बॉयज उसके काम को अप्रिशिएट करके लड़की का दिल जीत लेते हैं। बैड बॉयज कोई रूल रेगुलेशन नहीं मानते, वो लड़की को भी रूल रेगुलेशन में बांध कर नहीं रखते, और बैड बॉयज का यही एटीट्यूड तो लड़की को घायल कर देती है। लेकिन जब कोई गुड बॉय लड़की से प्यार करता है तो उसे दिल में सच्चा प्यार करता है। सो लड़की का अच्छा सोचने के चक्कर में उसके दिल में लड़की की चिंता लगी रहती है, वो लड़की का एक्स्ट्रा केयर करने लगता है। लड़की किसी दूसरा लड़का या लड़की से मिलती है तो गुड बॉयज उसे रोकता है, लड़की की बुरी आदत को छोड़ने के लिए उसे प्रेशराइज करता है। हमेशा वो यही बात करते हैं कि तुम में ये गलत है, ये मत करना। हमेशा लड़की की बुराई को लेकर ही बात होती है, प्यार की बात तो होती ही नहीं है। गुड बॉय लड़की के मुंह पर बोलता है तुम गलत हो और लड़की की बेइज्जती भी करता है। सो लड़की तंग आकर ऐसे लड़के को छोड़ देती है। लड़की का केयर करने के लिए, रूल रेगुलेशन समझाने के लिए उसका बाप है, उसका भाई है, उसे और एक बाप या भाई की जरूरत नहीं है, उसे बॉयफ्रेंड चाहिए। बैड बॉयज में कुछ गुड क्वालिटीज होती है जिसकी वजह से वो किसी भी लड़की को आसानी से पटा लेते हैं। बैड बॉयज एडवेंचरस होते हैं, वो किसी भी लड़की से सीधे बात कर लेते हैं। लेकिन गुड बॉय हमेशा सोचते रहते हैं बात करूं या नहीं। बैड बॉयज को बहुत बढ़िया बात करना आता है, वो झूठ भी इतने अच्छे से बोलता है कि उसके मीठी मीठी बातों से लड़की पड़ जाती है। जबकि अच्छा लड़का सिर्फ शिकायतें और प्रॉब्लम ही सुनाते रहता है। बैड बॉयज फ्री माइंडेड होते हैं, वो ओपन माइंडेड होते हैं, ये किसी की परवाह नहीं करते। ये इसकी परवाह नहीं करते कि लोग क्या सोचेंगे। वो लड़की से किसी भी टॉपिक पर बात करने से डरते नहीं है। लड़कियां भी चाहती है वो किसी से दिल खोलकर अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सकें, एडल्ट बात कर सकें। पर अच्छा लड़का कभी भी ऐसी बात नहीं करता, वो सिर्फ सोचता रहता है लड़की को बुरा लग गया तो। बैड बॉयज एंटरटेनिंग होते हैं, वो लड़की को सारे फीलिंग देता है, कभी डर, कभी चीखे, कभी हंसना, कभी रोना, कभी राहत, कभी प्यार। और यही तो सबसे बड़ी क्वालिटी है जो लड़कियां लड़कों में पसंद करती हैं। हम सभी जानते हैं लड़कियों को तारीफें कितना पसंद होता है। बैड बॉयज लड़की के अलग अलग तरीके से तारीफ करता है, जबकि गुड बॉय सिर्फ गलतियां ढूंढते रहते हैं। बैड बॉयज दुनिया की परवाह नहीं करते, सो वो नए फैशन, अजीब हेयर स्टाइल रखने से नहीं डरते। वो हर बार अलग अलग हेयर स्टाइल से, अलग अलग कपड़ों से लड़की को चौंका देते हैं। जबकि अच्छा लड़का तुम्हें सदियों से एक ही कपड़ों में नजर आएगा, वही हेयर स्टाइल और वही मरियल सा चेहरा। बैड बॉयज फ्रेंड सर्कल में फ्रेंडली बिहेव करते हैं, इनके पास ऑलरेडी लड़का लड़की दोनों दोस्त होते हैं। वो फ्री माइंडली किसी भी लड़की से बात करते हैं, वो उनके साथ मिलकर शरारती भी करते हैं। बैड बॉयज को ये चिंता नहीं होती कि कोई दोस्त उनको छोड़कर चला गया तो क्या होगा, वो तो दोस्तों को छोड़कर जाने की भी आजादी देते हैं। लेकिन अच्छे लड़की के पास होता तो कुछ नहीं है और वो नए दोस्त भी नहीं बना पाते। एक आधी लड़की जो उनके पास होती है वो भी उनको पटाने के चक्कर में उनको भी खो देते हैं। लड़कियां बैड बॉयज को इसलिए पसंद करती है कि वो सारे बातें सही करते हैं और काम भी सही करते हैं। बैड बॉयज जब लड़की को प्यार में फंसा कर उसे यूज कर छोड़ देते हैं तब लड़कियां रोती है और कहती है सारे लड़के एक जैसे होते हैं। गुड बॉयज इंतजार करते हैं कि लड़की को उसके सच्चे प्यार का एहसास होगा, पर ऐसा कभी नहीं होता, वो हमेशा सिंगल ही रहते हैं। देखो मैं यहाँ किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ दुनिया में कैसे लोग होते हैं। यहाँ ना बैड बॉय गलत है, ना गुड बॉय और ना ही लड़की। लड़कियों को तो अपने लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है, और लड़कियां तो पूरा खुलकर बताती है उन्हें क्या चाहिए। गलती गुड बॉयज करते हैं। देखो मैं यहाँ किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा और ना ही विद्रोह कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तुम गुड बॉय हो, बड़ी अच्छी बात है, पर तुम जिससे प्यार करते हो उसके लिए थोड़ा बदल जाने में क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ जो मैं बैड बॉयज बोल रहा हूँ ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली इन्हें बोलना चाहिए स्मार्ट बॉयज। वीडियो अच्छी लगे तो गुड बॉय की तरह लाइक जरूर करना, बैड बॉयज की तरह कमेंट करना, और किसी अच्छी लड़की के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।